आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ की इगलास विधानसभा सीट पर महुआ गांव में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर हंगामा काटा और जिला प्रशासन से आवारा गोवंश की समस्या का समाधान होने के बाद मतदान करने की मांग की। अलीगढ़ इगलास विधानसभा सीट पर निर्धारित समय सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, लेकिन इगलास विधानसभा क्षेत्र में महुआ गांव के मतदाताओं द्वारा किसान और ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करते हुए जमकर हंगामा किया। ग्रामीण किसान मतदाताओं का कहना है कि क्षेत्र में आवारा गोवंश की समस्या के चलते वह बर्बाद हो चुके हैं, जिसकी कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, लेकिन इस समस्या का आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया। जब सत्ता में रहते हुए जनप्रतिनिधि समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो फिर वोट क्यों दिया जाए। मतदान बहिष्कार की सूचना पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी ग्रामीणों को समझाने के लिए गांव पहुंचे और नाराज ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 2 घंटे के बाद भी मतदान शुरू नहीं हो सका। मतदाता मतदान का बहिष्कार करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इगलास विधानसभा क्षेत्र के सर्वाधिक वोटिंग वाले गांव की सूची में आता है महुआ गांव, जिसमें तकरीबन 2500 से 2600 की वोटिंग है। अब तक बूथ संख्या 280 और 281 पर पिछले 2 घंटे में वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात होगी क्या जिला प्रशासन नाराज ग्रामीण मतदाताओं को कब तक समझा बुझाकर शांत कर मतदान को सुचारू करवाएगा। वहीं इगलास विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। अब लोग क्यों वोट नहीं? 2017 में जिस वायदे के साथ ये सरकार आई थी, सबका साथ सबका विकास, उस पर ये सरकार पूरी तरह से असफल रही है। आज गांव में गाय और सांडों का इतना आतंक है कि कोई भी किसान, किसी भी किसान की फसल सुरक्षित नहीं है। रात भर किसान जाग के फसल की रखवाली कर रहा है। किसान बहुत दुखी है सरकार से, इसलिए गांव के सभी ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि जब तक इन गाय और सांडों का इंतजाम नहीं हो जाता कोई भी ग्रामीण वोट नहीं डालेगा। तो केवल एक ही पार्टी से तो विरोध है, बाकी का और लोगों के लिए वोट करें? सभी सभी पार्टियों के यहाँ पे विरोध नहीं है, ये पूरे गांव का विरोध है कि जब, क्योंकि इससे परेशान पूरा गांव है, पूरा क्षेत्र दुखी है गाय और सांडों से। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि केवल गाय और सांडों को इंतजाम कर दीजिए और वोट पड़ेंगे, उससे पहले वोट नहीं पड़ेंगे। अच्छा, कितने की वोटिंग है यहाँ इस गांव? यहाँ लगभग 2100 की वोटिंग है। कौन सा बूथ है यहाँ? बूथ नंबर 282 है, महुआ ग्राम है। मेरा नाम राजकुमार तोमर। कहाँ रहते हैं? महुआ। क्यों आप वोट डालना चाह रहे, किस बात को लेकर आपका विरोध जता रहे हैं? वोट इसलिए नहीं डालने चाह रहे हैं कि पूरे हमारे ग्राम पंचायत महुआ की जनता की एक ही आवाज है। हम लोग पिछली जो बीजेपी की सरकार थी, पिछली सरकार से आश्वासन झेलते आ रहे हैं और हमारा गांव पूरा ही 100% बीजेपी का वोटर है। पिछले गत माह आदित्य योगी जी आए थे, आदित्यनाथ योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इगलास, उन्होंने एक सभा करी थी। हमारा पूरा गांव ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के इगलास गया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इगलास विधानसभा में मैं ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खुलवाऊंगा। मेरी ग्राम पंचायत महुआ राजस्व ग्राम है, जो कि इसमें 58 बीघा जमीन चारागाह की है। हमारे क्षेत्रीय लेखपाल और ग्राम प्रधान ने मिल के उसका प्रस्ताव वन विभाग को दे दिया, जबकि पूरे गाँव की आवाज़ थी कि हमारे गांव में गौशाला खुले। आज मेरी ग्राम पंचायत महुआ के अंदर 250 से लेकर 350 के बीच में गाय सांड और उनके छोटे छोटे बच्चे। हमारा किसान बुरी तरह से तबाह है, आलू की फसल बोई जा रही है, किसान जिन कैसे कैसे अपनी चीज नाज बेच बाँच के लेके आ रहा है और आलू काट रहा है और पूरा मजबूर है।